नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन 360 जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर दो, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर चार, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर छः, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IBM। क्वेश्चन नंबर सात, इंटरनेट का जनक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विंटल जी सर्फ। क्वेश्चन नंबर आठ, SMS का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर नौ, लिनक्स एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज को विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, ई व्यापार का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट पर व्यापार। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 14, 1 KB समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1024 बाइटों के, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोचले एवं एकहर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? ऑप्शन ए, एनियर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवेग। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 21, 0 या 1 के अंक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी वह सर्वप्रथम कंपनी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेमिंगटन रेड कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में कार्य करने की गति मापी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24, उपकरण जो की को स्क्रीन पर या प्रिंटर द्वारा कागज पर छाप कर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं कहलाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आउटपुट उपकरण। क्वेश्चन नंबर 25, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विंडो लोगो प्लस डी।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से डिजिटल कैमरा एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27, टेलीविजन स्क्रीन एक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेलीविजन स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से चित्रों को कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 29, कर्सर शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउस। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से बार कोडिंग किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस।